आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। अमर प्रखंड मुख्यालय के रेफरल अस्पताल प्रांगण में हिंदुस्तान यंग लिमिटेड सर्विसेज के तत्वाधान में छिड़काव कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व सुपरवाइजर चंद्रराम के द्वारा किया गया। छिड़काव के दौरान चंद्रराम ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर हिंदुस्तान यंग सर्विसेज ने सभी सरकारी संस्थानों में छिड़काव का जिम्मा लिया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर सभी सरकारी संस्थान में छिड़काव सहित जागरूकता का कार्य हिंदुस्तान यंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। साथ ही बताया कि कोरोना से पूरे देश में लोग परेशान हैं, उनसे बचाव के लिए एकमात्र उपाय मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और साबुन से हाथ धोना, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। ये जो छिड़काव है किसके तरफ से किया जाएगा? ये आपको ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान यंग सर्विसेज, जिसके तहत ये छिड़काव करवाया जाना है। ये हर ब्लॉक में जो है पंचायत स्तर पे 4 लोगों को नियुक्त किया गया है। अच्छा। आपको स्प्रे एम्प्लॉय के रूप में। अच्छा। ये क्या NGO है? हाँ, NGO है ये, हिंदुस्तान यंग सर्विसेज जो है। अच्छा। इसके तहत कोरोना को देखते हुए हर क्षेत्र में जो है ये जो एम्प्लॉय जो है स्प्रे एम्प्लॉय, उसके द्वारा छिड़काव किया जाएगा। अच्छा। खास करके जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे छिड़काव होना है। ये छिड़काव क्या चार्जेबल है? नहीं, चार्जेबल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और ये जो है आपको कोरोना संक्रमण से का मतलब रोकथाम के लिए हर जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, स्कूल हैं या पंचायत भवन है, वहाँ पे जो है स्प्रे किया जाना है। क्या रेगुलरली स्प्रे होगा या फिर? नहीं, ये एकदम रेगुलर स्प्रे होना है सब जगह। अच्छा, डेली बेस। हाँ, कंटिन्यूस चलेगा ये अभी। कुल कितने कर्मी लगे हुए हैं इनमें अमर प्रखंड में? अभी तो फिलहाल जो है हर पंचायत में 4 कर्मी है। अच्छा। तो 25 पंचायत है अपने यहाँ, तो उसी हिसाब से 100 कर्मी हैं। और ये जो है चंदर जी, इसके सुपरवाइजर हुए।